मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज बुल्ले शाह का एक पद लेने जा रहे हैं। बुल्ले शाह का जन्म 1680 ईस्वी में हुआ और 1758 ईस्वी तक बुल्ले शाह पंजाब की धरती पर अपना गीत गाते रहे। कहते हैं बुल्ले शाह, मैनू की होया, मैं तो गई गवाती मैं। कह रहे हैं कि लोग मुझे विचित्र निगाहों से देखने लगे हैं आजकल। आखिर मुझे हुआ क्या है, आखिर मैंने किया क्या है, मैनू की होया, मैं तो गई गावाती मैं, मुझसे मैपन विदा हो गया। बस इतना ही तो हुआ है, और बाहर से तो कुछ भिन्नता है नहीं, पर इतना ही हुआ ना मुझ में कि मेरा मैपन नहीं, मेरा अहंकार नहीं है। बस इतनी सी बात हुई है और इतना हंगामा लोग कर रहे हैं। मैनू की होया, मैं तो गई गवाती मैं। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, साधो गोविंद के गुण गाओ, मानस जन्म अमोलक पायो, और बिरथा का ही गवायो। कहते एक ही काम करने लायक है, गोविंद का सुमिरन करो। और कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बड़ा अनमोल है, और इसको तुमने पाया और ऐसे ही गंवा दिया, व्यर्थ में गंवा दिया, व्यर्थ जीवन को जिया, तो कितनी बड़ी भूल हो रही है। तज अभिमान मोह माया फुनि भजन राम चितलाओ। एक पंक्ति में सारा वेद कह दिया, सारा उपनिषद आ गया। कहते करना क्या है, बस दो तीन बातें हैं। एक तो एक छोड़ना है, एक पकड़ना है। छोड़ना क्या क्या है, अहंकार को छोड़ना है, मोह को छोड़ना है, माया को छोड़ना है। बस इतना छोड़ना है, और फिर भजन राम चित लायो, बस राम का स्मरण करो। इतनी सी बात, सारा अध्यात्म, सारा ज्ञान इसमें समा गया है। नानक कहत मुक्ति पंथ या आ गुरुमुख होई तुम पाओ। ये मुक्ति का मार्ग है, जिसको कह रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी। ये मुक्ति का मार्ग मैंने तुमको बताया, और लेकिन पाओगे कैसे, गुरुमुख होकर के, शिष्य होकर, सद शिष्य होकर के ही तुम इसको जान सकते हो।
कहते हैं बुल्ले शाह, क्यों कमली आँखें लोका, लोग मुझे पागल क्यों कह रहे हैं, आखिर मुझे हुआ क्या है। इस बात को कबीर साहब बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं, मेरे बाबा मैं बौरा, सुनो लोगों मैं पागल हूँ। तुम पागल ही तो कह रहे हो ना, संतों को लोग पागल कहते हैं, ठीक है मैं पागल हूँ। मेरे बाबा मैं बौरा, आ सब खलक से आने मैं बौरा। सारी दुनिया बहुत होशियार है, दुनिया वालों में होशियारी बहुत है, उस होशियारी के सामने संतों के बचपन को, संतों के इनोसेंस को समझना बड़ा मुश्किल होता है। मैं बिगड़ी ओ बिगड़े मत औरा, कबीर साहब की भाषा व्यंग की होती है, व्यंजनात्मक शैली है उनकी। कहते हैं तुम कहते हो तो मैं बिगड़ गया हूँ, मैंने मान लिया कि मैं पगला गया हूँ, मैंने मान लिया कि मैं बिगड़ गया हूँ, कम से कम तुम तो ठीक रहो ना, तुम मेरे से प्रभावित होकर के बिगड़ने के लिए मत चले आना, पागल होने के लिए मत चले आना। लेकिन एक बात सुन लो, आप न बौरा राम की ओ बौरा, मैं अपने से नहीं पगलाया हूँ, खुद राम ने मुझे पागल कर दिया है अपने प्रेम में। सतगुरु जार गयो भ्रम मोरा, और अगर दूसरा कोई कल्प्रिट है गोविंद के अलावा तो मेरा सतगुरु है, इसने मेरा भ्रम जला दिया है। और इसीलिए जो तुम मेरे जीवन में मस्ती देखते हो, वह मस्ती अहंकार विदा होने के कारण है, वह मस्ती ओंकार का स्मरण करने के कारण है। कहते हैं बुल्ले शाह, मैनु की होया है, आखिर मुझे हुआ क्या है, अपने प्रियतम से प्यार ही तो कर रहा हूँ ना, इसके लिए इतना हंगामा लोग क्यों कर रहे हैं। जिसके लिए बुल्ले शाह अन्यत्र कहते हैं, हाजी लोक मकेदू जान दे, मैं घर विच नौशो मक्का नी में कमली हाँ। कहते हैं कि सारे दुनिया के लोग हज करने जाते हैं, मक्का को जाते हैं, लेकिन मैं करूँ क्या, मैं कैसे मक्का जाऊँ, मेरे घर विच नौशो मक्का, मेरे घर में ही मक्का भी है, दूल्हा भी है, प्रियतम भी है, मेरा सब कुछ मेरे घट के अंदर है, नहीं मैं कमली हाँ तो चलो, लेकिन फिर भी तुम कहते हो कि मैं पागल हूँ, तो मैं भी मान लेता हूँ ताकि तुम खुश हो जाओ कि मैं पागल हूँ। कहते हैं बुल्ले शाह, मैं विच वेखा ता मैं नहीं होन दी, ये गजब की बात कह रहे हैं, करे मैं भीतर देखता हूँ तो पाता हूँ कि मेरा कोई अलग अस्तित्व नहीं है। पहले बूंद को जानते हो और जब समष्टि को जानते हो तब लगता है कि अरे ये सागर मैं हूँ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। ऐसी मस्ती हो जाती है जब अनुभव करते हो कि सारा ब्रह्म मेरी आत्मा का ही विस्तार है और मेरा कोई अलग अस्तित्व नहीं है, मैं तो अस्तित्व का एक अंग हूँ, अस्तित्व का एक अंश हूँ। कहते हैं बुल्ले शाह, मैं विच वसना ऐतें, कहते हैं मेरे भीतर हे रब तुम ही रहते हो। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, तेरी चितावे ज्ञान बतावे गीता वेद पुराण, कहते हैं लेकिन लोग हैं विद्वत्ता अर्जित कर लेते हैं, ग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं और ग्रंथों के आधार पर प्रवचन देना शुरू कर देते हैं, जबकि उनको अनुभव की पूंजी नहीं है। तेरी चितावे ज्ञान बतावे गीता वेद पुराण, और कह रहे हैं कि ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये गीता में भी यही है, वेद में भी यही है, पुराण भी में भी यही है, और यही सब कहते हैं। क्या कहते हैं, चरण दास सुखदेव कहते हैं राम नाम उरान, कहते हैं मेरे गुरु भी यही कहते हैं कि राम नाम का स्मरण करो, राम से प्रेम करो, राम को अपने हृदय में धारण करो। याद रखना ये राम ओंकार तत्व का ही दूसरा नाम है। कहते हैं बुल्ले शाह, सिर तो पैरी टिकवी तू ही, सिर से पाँव तक मैं देख पाता हूँ कि तू ही तू है। मेरा मैं ऐसे खो गया कि मुझे खुद भी खोज नहीं पा रहा हूँ कि इतने विराट इस अस्तित्व में मैं कहाँ हूँ, सब तो बस अस्तित्व ही है। कहते हैं बुल्ले शाह, सिर तो पैरी तिकवी तू है और अंदर बाहर है, ये बिरले संतों में ये बात तुम पाओगे। घट में आत्मा का दीदार तो कईयों ने किया, लेकिन ऐसे थोड़े से संत हैं जो प्रगट भी गोविंद को देखते हैं, प्रगट भी गोविंद का स्मरण करते हैं, जैसे कबीर साहब हैं, जैसे तुम अभी बुल्ले शाह को पा रहे हो, क्योंकि ये सारा आकाश परमात्मा है। ओशो कहते हैं जिस दिन आकाश की जीवंतता को जानोगे उसी दिन तुम परमात्मा को जानोगे। इसी बात को सुंदरदास बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, कोई नीरे कहे कोई दूरी कहे, परमात्मा कहाँ है इस बारे में बड़ा मनन चलता है, चिंतन चलता है, और कहते हैं सुंदरदास वो तो नज़दीक से नज़दीक है, हमारी आत्मा ही है,
रूह ही खुदा है, मोहम्मद साहब कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं। इस बात को सुंदरदास बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं, कोई नीरे कहे कोई दूरे कहे, आप हुई नीरे न दूर है रे। कोई कहता है कि परमात्मा नज़दीक है, कोई कहता है परमात्मा दूर है, लेकिन सत्य तो यही है कि उसको न तो नज़दीक कहा जा सकता है न उसे दूर कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे घट में भी वही विद्यमान है और बाहर चारों तरफ आकाश में वही विद्यमान है। दिल भीतर बाहर एक सा है। संत जब दिल शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है निराकार, घटाकाश, अपने भीतर का आकाश। कहते हैं घटाकाश और महाकाश में कोई अंतर नहीं है, घटाकाश में भी वही है, महाकाश में भी वही है, बाहर के आकाश में भी वही है। आसमान ज्यों भरपूर है रे, जैसे आकाश अपने आप में पूरा है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, ऐसे ही गोविंद भी सर्वव्यापी है, सब जगह है, सर्वत्र है। राज की बात तो यह है कि वही परमात्मा है, लेकिन इस राज को संतों ने खोला नहीं है। और क्योंकि जब तक साधना नहीं करते, जब तक तुम उसका अनुभव नहीं करते, तब तक बात समझ में भी नहीं आएगी। कहते हैं बुल्ले शाह, एक बार एक उरार सुनीदा एक बड़ी एक नए। कहते हैं सुनते थे कि नदी के दो किनारे होते हैं, एक इधर का और दूसरा उधर का, वहाँ एक नाव भी है और उसी से पार करते हैं, लेकिन प्रभु मिलन के बाद हम इधर और उधर दोनों किनारों से मुक्त हो गए, अब न नाव है न नदी है, सब एक हो गया है। कहते हैं बुल्ले शाह, मंसूर पियो रे कहाया अनल हक। कहते हैं कि सुना होगा तूने, मंसूर ने कहा अनल हक, अनल हक का क्या अर्थ हुआ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही हक हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा वो कह रहे हैं। मंसूर पियो रे कहाया अनल हक, कहू काया कै। अब ये बताओ कि उसको किसने ये कहलवाया, मंसूर जब अनल हक कह रहा था तो किसने उसके मुख से ये बात कहलवाई, गोविंद ने ही कहलाया होगा, वरना कोई हिम्मत कर सकता है। बुल्ला शाह उसे दा आशक। कहते हैं कि वही जिसने मंसूर से अनल हक कहाया है वही मेरा प्रेमी है, उसी से मुझे प्रेम हो गया है। कहते हैं बुल्ले शाह, अपना आप बजाया जाए, बुल्ले शाह उसे दा आशिक, अपना आप बजाया दे, जिस आशिक ने कहा अनल हक कहलवाया मंसूर से, उसी से मेरा प्रेम हो गया है और मैंने अपना अहंकार त्याग दिया है, मैंने अपना मैंपन त्याग दिया है, इसीलिए लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पिया चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क देखा सुना न कान। कबीर साहब कहते हैं या तो गोविंद का वास होगा या तुम्हारे अहंकार का वास होगा, म्यान तो एक ही है, चेतना एक ही है, या तो अहंकार ठहर सकता है या ओंकार ठहर सकता है। तुम अगर सोचते हो कि तुम्हारी चेतना में दोनों एक साथ रहें, अहंकार भी रहे और ओंकार भी रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। तुम सोचो कि छाया और धूप एक साथ रहे, नहीं, छाया और धूप का कभी मिलन नहीं होता। अगर धूप रहेगी तो छाया नहीं, अगर छाया रहेगी तो धूप नहीं, ऐसे ही अहंकार छाया की तरह है। अगर परमात्मा का प्रकाश उदित हुआ तब अहंकार की छाया वहाँ रह ही नहीं सकती। पिया चाहे प्रेम रस, तुम राम रस पीना चाहते हो, राम के कई डायमेंशन हैं, कई आयाम हैं, जैसे आनंद है, प्रेम है, और भी बहुत सारे आयाम हैं, और तुम प्रेम भी उसका एक आयाम है। कहते तुम गोविंद का प्रेम रस पीना तो चाहते हो और राखा चाहे मान, लेकिन अहंकार भी साथ में रखना चाहते हो, तो कैसे होगा बताओ। एक म्यान में दो खड़क देखा सुना न कान। कहते अभी तक हमने देखा तो नहीं है, हमने सुना भी नहीं कि किसी एक म्यान में दो तलवार रहती है। ठीक ऐसे ही हमारी चेतना में अहंकार और ओंकार दोनों का साथ साथ निवास नहीं हो सकता, इसलिए तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उसे नाम तत्व का भेद जानो और अपने अहंकार को विसर्जित कर ओंकार के सुमिरन में लग जाओ, यही सहयोग है। हरि ओम तत्सत। मित्रों नमस्कार, ओषोधारा के 6 दिवसीय कार्यक्रम ध्यान समाधि में आइए और परमात्मा के ओंकार स्वरूप को स्वयं के भीतर पहचानिए। प्रभु को जानने का सरलतम उपाय है ध्यान समाधि। विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें 9671400196 अथवा 9671400193।
क्या आपको याद है कभी हरी घास पर नंगे पांव चलना, जाड़े की ठंडी ठंडी रातों में आग तापना, वन्य जीवों को खोजते हुए घूमना, बचपन में आह्लादित होकर कोयल की कुहू कुहू सुनना। यदि इन सारे अनुभवों को आप फिर से सदा के लिए जीना चाहते हैं तो आपके लिए ओशो धारा प्रस्तुत करती है उमंग प्रज्ञा, एक त्रिदिवसीय अनूठा कार्यक्रम जिसके बाद आप अनायास ही गा उठेंगे। क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या, एक उड़ती पतंग है। ओशो धारा के समाधि कार्यक्रम सहज योग पर 6-6 दिनों के 14 समाधि कार्यक्रम नाद नूर एवं परमात्मा के अन्य विविध आयामों द्वारा 84 दिनों में 84 लाख योनियों से मुक्ति। परंतु कैसे, आइए जानिए ओशो धारा के समाधि कार्यक्रमों के द्वारा।